इंदौर में एक बदमाश की हत्या के मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दरअसल परदेसीपुरा क्षेत्र में अर्पित नाम के एक आदतन अपराधी का पकड़ाए गए दोनों आरोपियों से पैसे को लेकर विवाद चल रहा था, जिससे दोनों ने अर्पित को विवाद सुलझाने के लिए बुलाया था, लेकिन अर्पित के वहां पहुंचते ही दोनों आरोपियों ने उस पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई। वहीं पुलिस ने मामले की जाँच करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनकी सारी पृष्ठभूमि को और जो साक्ष्य मौके पर और घटना के आगे पीछे जो उपलब्ध थे उसके आधार पर लगातार प्रयास किए गए और 20 घंटे के अंदर इस पूरे प्रकरण का खुलासा करते हुए इसमें घटना के कारण और इसमें जो आरोपी संलिप्त थे उनका पता उनकी पतारसी करने में और मुख्य दो आरोपियों की गिरफ्तारी करने में टीम को सफलता मिली है। इसमें मुख्य आरोपी जो अभी अरेस्ट हुए हैं राजा कचौरी और पम्पम उर्फ आशीष शर्मा हैं, और साथ ही इसमें आगामी अनुसंधान जो आपराधिक षड्यंत्र इसमें अन्य लोगों के साथ मिलकर कार्य किया गया है उसके पूरे खुलासे के लिए और अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए अनुसंधान अभी जारी है।